गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब कोई बिजनेस शुरू करना हो तो दो मोटे मोटे पक्ष होते हैं उसके, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एक तो ये कि डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट आइडिया, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे तो आदमी फिर भी जूझ लेता है। लेकिन दूसरा होता है सरकार। सरकार से जूझने में सबकी नानी याद आ जाती है, इज दैट राइट? आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, आपके पास फाइनेंस भी हो गया, लेकिन सरकार से, जैसे अभी मैं सुन रहा था सौरभ ने कहा कि 18 महीने लग गए उनको लाइसेंस लेने में उन दिनों में। मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पे दो किस्म के बिजनेसमैन हमारे देश में सक्सीड कर रहे हैं। एक वो हैं जो इस सिस्टम को चूस रहे हैं और बेईमानी करके ऊपर पहुंच रहे हैं। अगर आज 2G लाइसेंस 1,500 करोड़ का खरीद के एक हफ्ते के अंदर 6,000 करोड़ का बेचा जाए तो मैं उसको बिजनेस नहीं कहता, मैं उसको डकैती कहता हूं, दैट इज नॉट बिजनेस। लेकिन दूसरे वो बिजनेसमैन है जो इस सारे सिस्टम के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर करके ऊपर पहुंचे हैं। दे हैव सक्सीडेड डिस्पाइट द सिस्टम। इस सिस्टम ने हर किस्म की ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश की। फॉर इंस्टेंस, वी हैव टू सक्सेसफुल पीपल सिटिंग हियर। इन लोगों ने हर स्टेप के ऊपर संघर्ष किया, हर स्टेप के ऊपर सरकार ने हर ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की कोशिश की और इन्होंने उसको पार करके और वो संघर्ष कर करके आगे पहुंचे हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी सरकार इम्पेडिमेंट क्रिएट करने की बजाय, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने की बजाय अगर लोगों को बिजनेस करने में एनकरेज करे तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे बहुत सारे स्टार्टअप जो है, छोटे छोटे लोग जो है, वो जो बिजनेस करना चाहते हैं, आज एक आदमी पढ़ लिख के निकलता है तो वो नौकरी ढूंढता है। हर आदमी नौकरी ढूंढ रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि इट इज क्रिएटिंग जॉब सीकर्स रादर देन जॉब प्रोवाइडर्स। अगर हमारा सिस्टम सपोर्ट करना चालू कर दे, हमारे देश की राजनीति सपोर्ट करना चालू कर दे, हमारे देश की गवर्नेंस सपोर्ट करना चालू कर दे तो मुझे लगता है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। भारत के अंदर हर आदमी के अंदर एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है। हमारे देश के अंदर एक रिक्शा वाला भी एंटरप्रेन्योर है, एक हॉकर भी एंटरप्रेन्योर है, एक किसान भी एंटरप्रेन्योर है, बड़ा एंटरप्रेन्योर है, छोटा एंटरप्रेन्योर है, हर इंसान के अंदर एक एंटरप्राइजिंग स्पिरिट है। लेकिन ना तो एक हॉकर को सरकार अपनी दुकान चलाने देती है और ना एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार अपनी दुकान चलाने देती है। आपके पास एक अगर अच्छा आइडिया है तो आप अमरीका में जाते तो सक्सेसफुल हो जाते हो, लेकिन इंडिया में आप अपनी दुकान या इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर लो, सरकार हर कोशिश करेगी, 30 इंस्पेक्टर आपके यहां पहुंच जाएंगे आपसे हफ्ता लेने के लिए। It is so difficult to. So I think we are a city of first country of first class citizens with third grade governance. अगर हमने अपने देश की राजनीति ठीक कर ली तो मुझे लगता है कि हम ढेर सारे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, ढेर सारा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, ट्रेड शुरू कर सकते हैं। So I think the root of the problem is the bad politics of this country. जब तक इस देश की राजनीति को हम सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इस देश की राजनीति को हम साफ नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि सुधार हो सकता। ये बात मैं आज आप लोगों के साथ करने के लिए आया, और यह बात हमें बड़ी धीरे धीरे समझ में आने लगी पिछले 3 साल के आंदोलन के बाद। अन्ना हजारे जी के साथ हम लोगों ने आंदोलन किया, क्या मांग रहे थे हम लोग? यही तो कह रहे थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे इस देश में तो उसको जेल भेजना चाहिए। ऐसा कानून बनाओ, लोकपाल बिल बनाओ कि अगर इस देश में कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल भेजो। इतना ही तो कानून मांग रहे थे, कोई गलत मांग रहे थे? लेकिन कोई पार्टी नहीं मानी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि हर पार्टी के अंदर लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा है। आज अगर वो लोकपाल बिल पास कर दें तो कल उसके कई पार्टियों के नेता जेल चले जाएंगे। धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि जब तक इस देश की राजनीति साफ नहीं की जाएगी तब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता, और जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा तब तक मुझे लगता है एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस देश के अंदर संघर्ष करता रहेगा, वो अपना बिजनेस ठीक से नहीं चला पाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका गोल एक ही है। हम भी राजनीति साफ करना चाहते हैं, और जब तक राजनीति साफ नहीं होगी तब तक आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते इस देश के अंदर। हमारे देश के जो अनपढ़ लोग हैं ना, उनके अंदर कॉमन सेंस बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट है वो लोग। वो तो किस्मत ने उनको ऐसी जगह पैदा कर दिया कि उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। जब मैं ऐसी बातें करता हूं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो जरूर कोई ना कोई एक औरत खड़ी होकर पूछती है जी आपका क्या भरोसा सत्ता मिलने के बाद आप भ्रष्ट हो गए? तो आपके जैसे बहुत आए थे, जैसे ही सत्ता मिली वो भ्रष्ट हो गए। फिर मैं उनको समझाता हूं कि मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था,
इनकम टैक्स के अंदर एक इंस्पेक्टर साल में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत कमाता है। मैं तो कमिश्नर था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। वो नौकरी छोड़ के यहां पे झक मारने की क्या जरूरत थी, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर झक मारने की क्या जरूरत थी, पैसा कमाने के लिए नहीं आए, देश बदलने के लिए आए।